अहमदाबाद में गर्मी बढ़ा ही दी है भाई बाइक बना के। तो ये देखो हम आफ्ताब भाई से पूछना चाहेंगे कि आफ्ताब भाई इसके अंदर आपको कितना कॉस्ट आया और बाइक कितने में बनी है। FM WhatsApp कैसे आप सब लोग, तो नया दिन नई शुरुआत के साथ और मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट FK। और आज मैं शूट कर रहा हूं हमारे आफ्ताब भाई के वहां। तो आफ्ताब भाई ने आज एक इसी बाइक बनाई है, तो मैं आफ्ताब भाई से मिलाना चाहूंगा कि उन्होंने आज स्प्लेंडर बनाई है। बहुत से लोग ऐसी स्प्लेंडर बनाते हैं पर आज मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने किस तरह से ओल्ड मॉडल को लेटेस्ट मॉडल करा है। करते आज आफ्ताब भाई, ये क्या हो गया, ज़्यादा गर्मी लग रही थी क्या? बहुत गर्मी लग रही थी भाई। और तुमने तो अहमदाबाद में गर्मी बढ़ा ही दी है भाई बाइक बना के। तो ये देखो भाई, अब ये गेस्ट करो कि कौन सा मॉडल है। अभी मैं बोलूँगा नहीं, पर आप लोग गेस्ट करो कि ये कौन सा मॉडल है। और भाई ने देखो कैसी बनाई है भाई। अगर आपको ऐसा ही लग रहा होगा बहुत लोगों को कि भाई लगता है इन्होंने भाई ने खाली टेल डाइडी पीछे हटा दी, ये गाड़ी न्यू है, पर भाई ये गाड़ी न्यू नहीं है, ये गाड़ी ओल्ड बाइक है। और भाई कौन सा मॉडल है ये? 2013-14 मतलब अभी क्या चल रहा है, मतलब 10 साल पुरानी है, 10 साल पुरानी बाइक है। पुरानी बाइक को देखो भाई क्या कर दिया भाई ने। बेसिक तो सब करते हैं पर भाई ने कुछ यूनिक किया है। मतलब हमारे आफ्ताब भाई भी करते हैं, आप तो समझते हैं कि भाई फॉरमैनिंग काम करते हैं, पर भाई ये भी करते हैं। देखो गाड़ी कैसी शाइन कर रही है यार, एक एक नट बोल नया इसमें, इसलिए वो न्यूज बाइक लगेगी भाई, न्यूज लग रही है भाई क्योंकि इसकी जान आ गई है। ये देखो ओरिजिनल साइलेंसर है, वो तो जो गरा के उसने ही साइलेंसर है उसमें डाला है। और देखो डोमिनार वाली लाइट लग रही है भाई, ये KTM वाली मेरे को है ना, डोमिनार वाली लाइट है। देखो इसमें 1000 स्वीट डाला हुआ है, डोमिनार वाली लाइट डाली हुई है, फिर पीछे टेल टाइडी डाली हुई है। टेल टाइडी कौन सी है? टेल टाइडी मैग्नेट वाली, टेल टाइडी डाली हुई है, मैग्नेट वाली है। व्हील गार्ड डाला हुआ है इसके अंदर, प्लस तारों डाले हुए, लेग गार्ड स्पोर्ट डाला हुआ है, और बाकी पूरी ओरिजिनल कट में गाड़ी तैयार है। ओरिजिनल इसका ओल्ड का फोटो होगा तो ओल्ड का फोटो बताओ, मतलब ओल्ड कैसी लगती है। तो वीडियो में आपने देख ही लिया होगा कि भाई वो कौन सी बाइक थी और आफ्ताब भाई ने कैसी बाइक बना दी। तो इनसे प्राइस रेंज जानते हैं कि भाई इसके अंदर क्या कॉस्ट लगा। और वो यार है ना, वो कभी बंद नहीं होता है, उसका आवाज़ उसको इग्नोर करो। हम आफ्ताब भाई से पूछना चाहेंगे कि आफ्ताब भाई इसके अंदर आपको कितना कॉस्ट आया और बाइक कितने में बनी। ये गाड़ी बनाने में हमको आया 25,000-30,000 रुपये का खर्चा, और ये गाड़ी के अंदर खाली कलर चैचिस के अंदर हुआ है। टाँकी न्यू है, कवर न्यू है, टेल पिलर न्यू है, सीट भी न्यू है, इसके नट बोल भी पूरे न्यू है। गाड़ी में कोई चीज़ की झूने चीज नहीं है, इसकी वायरिंग भी देख सकते हो पूरी ब्रांड न्यू डाली हुई है, वायरिंग न्यू है, स्विच न्यू है, सब आउटर न्यू है अंदर। तो फाइनली खर्चा क्या आता है इसके अंदर? खर्चा इसमें आएगा पूरा 25,000-30,000 रुपये। मतलब अभी समथिंग 1.5 लाख रुपए की गाड़ी आती है, 1.5 लाख रुपए की गाड़ी आती है। तो जिसके पास ओल्ड है तो वो ये करवा सकता है, इंजन का भी इसके अंदर आ गया, इंजन भी बना दी। क्या चीज़ भाई? इसके अंदर सेल नहीं होता, लेटेस्ट मॉडल में सेल आता है, ये ओल्ड गाड़ी है, ये देख सकते हो। मतलब दूर से तो न्यू ही लग रही है, पूरी पूरी न्यू गाड़ी है। तो भाई अभी गाड़ी के ओनर से बात करते हैं कि भाई को बाइक कैसी लगी। भाई बाइक कैसी लगी आपको? भाई बाइक बहुत बढ़िया बनाई है। हाँ बहुत ही बढ़िया है। ऐसा आपको कैसी लगी, मतलब आपने पहले देखी थी कैसी लग रही थी ना, अभी कैसी लगी? वो तो बाइक खड़ी नहीं थी, मिट्टी खा गई थी, लेकिन अभी तो बाइक लग रही है नई है, एकदम पेटी पे। अगर कोई आपको इसके 50,000 भी दे तो आप दो ना? दो ना क्यों?
इसका रीजन 50 की क्या 60 बोले तो भी ना दे सकता हूँ। इसका रीजन क्या? लकी भाई के गाड़ी पसंद आ गई, लकी भाई के और गाड़ी भी बहुत पसंद आई। ऐसा? हाँ। मतलब ऐसा लग रहा है अभी कि आप शोरूम में से लेके आए गाड़ी? शोरूम में से लेके आए, ऐसा ही लग रहा है। तो कितने लोगों को बताने वाले के शोरूम में से लाए? अभी तो मैं बहुत मेरे गांव के लोगों को बहुत बदने को बुलाऊंगा और बोलूंगा कि भाई बहुत बढ़िया बाइक बनाई है, वहाँ भी तुम एक बार बनाओ, अच्छा लगेगा आपको भी। अच्छा, तो ये बनाई है हमारे आफ्ताब भाई ने, जिस तरह से आपने देखा होगा। तो भाई की बहुत लकी बाइक है एंड भाई ने भी अच्छा खासा खर्चा किया, कोई दूसरा पर्सन होता तो वो नहीं करता, पर भाई ने बहुत अच्छा खर्चा किया है और बहुत बढ़िया बाइक बनाई भाई, बहुत अच्छी लगाई। तो भाई जिस तरह से देखा होगा कि आपने कस्टमर से बात की और उनको बहुत अच्छी लगी हमारे आफ्ताब भाई का काम, तो जिस के भी कराना हो अपनी कोई भी गाड़ी का काम और ऐसा बाइक को मतलब बिफोर आफ्टर करना है तो आप आफ्ताब भाई से मिल सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं कोई भी बाइक हो ए टू जेड। एंड इन्होंने अभी बीच में ऑफ़र भी निकाली थी, वो ऑफ़र भी मैंने बहुत स्क्रीनशॉट में डाली है, मतलब इंस्टाग्राम में भी डाली है, तो आप उसके अंदर भी जाके देखना। और बाइक की आईडी भी NEC बाइकर, तो वहाँ पे आपको अपडेट मिलते रहेंगे, तो भाई वहाँ पर जाते रहना और ऑफ़र देखते रहना। हमारे आफ्ताब भाई इंजन के मामले में और गाड़ी के मामले में बहुत सी ऑफर लेकर आते रहते हैं, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक पहुँचाना। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।